टर्बो सी प्लस प्लस, इसका नाम रखा जाता है कंपाइलर। बेसिकली ये कंपाइलर नहीं होता है, कहते हैं ये कंप्लीट आईडीई है। क्या है जी? कंप्लीट आईडीई। आईडीई स्टैंड फॉर, ये एमसीक्यू भी आ सकता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये आईडीई है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में, ये ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपके पास एडिटर भी होगा, आप इसमें प्रोग्राम टाइप भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, इसी के अंदर कंपाइलर भी होगा, आप उसको कंपाइल भी कर लें, इसी के अंदर डिबगर भी होगा, इसी के अंदर टेस्टर भी होगा, इसी के अंदर लोडर भी होगा। ये सारा का सारा है, आपने जस्ट इसको डाउनलोड करना है और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। ये टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर है, इसी के अंदर हम प्रोग्राम लिखा भी करा करेंगे, इसी के अंदर हम प्रोग्राम को सेव भी करेंगे, उसी के अंदर हम एडिटिंग भी करेंगे, उसी को हम कंपाइल भी करेंगे, फिर उसी के अंदर हम लिंक भी किया करेंगे प्रोग्राम, और आखिर पर हम उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे और इसकी एग्जी फाइल भी हम क्रिएट करके फिर आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर है ये। जब आप अपने पास डाउनलोड करेंगे, इसकी डायग्राम आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, वो मैं आपको दिखा दूंगा। वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें मेन्यू बने होंगे, फाइल, फाइल का मेन्यू होगा उसमें, एडिट का मेन्यू होगा और मुख्तलिफ मेन्यू होंगे, और इनके नीचे लाइन होगी, एफ अंडरलाइन होगा, ई अंडरलाइन होगा। इसके मीनिंग आप जब भी कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करेंगे और जो भी अंडरलाइन करेक्टर होगा उसको प्रेस करेंगे तो वो वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। अगर मैं आल्ट और एफ प्रेस करूंगा तो इसके मीनिंग वो फाइल ओपन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें साथ साथ हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो ये टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर था, ये आपने डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज है कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, तो हम उसके लिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, तकरीबन 7 स्टेजेस हैं उसके, तो हाउ टू प्रिपेयर अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, तो बेसिकली अब वो टॉपिक है, हम उसको देख लेते हैं कितने फेजेस में गुजरेगा हमारा। क्रिएट भी कह सकते हैं इसको, प्रिपेयर अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए सारे के सारे स्टेप्स हमने फॉलो करने। सबसे पहला स्टेप्स होगा क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, दूसरा स्टेप होगा एडिटिंग अ प्रोग्राम, तीसरा होगा सेविंग अ प्रोग्राम, फोर्थ होगा कंपाइलिंग अ प्रोग्राम, लिंकिंग अ प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। ये सारे के सारे हमने स्टेप्स करने हैं, परफॉर्म करने हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। उसमें क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, एडिटिंग हो गया, सेविंग हो गया, कंपाइलिंग हो गया, लिंकिंग हो गया और एग्जीक्यूटिंग होगा। सबसे पहले हम आते हैं क्रिएटिंग किसको कहते हैं। तो क्रिएटिंग बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बुक में भी लिखी हुई है, उसमें इतनी कोई बात है नहीं बताने वाली, मैं फिर भी बता देता हूँ। क्रिएटिंग क्या होती है, कंपाइलिंग क्या है। कंपाइलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स प्रोग्राम इंटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, या सोर्स कोड इंटू ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ये हम कंपाइलिंग करेंगे। जब तक कंपाइलिंग नहीं करेंगे कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता, वो एग्जीक्यूट के काबिल ही नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, कंपाइलिंग करते हैं। कंपाइलिंग कैसे करते हैं, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर हमारे पास बिल्ट इन होता है, उसको हम कहते हैं कंपाइलर। क्योंकि मैंने कहा था ये आईडीई है हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस, और हमें जस्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, वो खुद कंपाइल करेगा और उसका ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा। जब सक्सेसफुल कंपाइलेशन हो जाएगी तो न्यू फाइल इसमें क्रिएट होगी, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फाइल। तो अगर इसमें प्रोग्राम में कोई भी एरर होगा तो आपका कंपाइल नहीं होगा, वहाँ पर रोक देगा कि एरर पहले रिमूव कर लें, फिर आप एरर रिमूव करेंगे, फिर कंपाइल करेंगे, हर लाइन को उठा के वो कंपाइल करेगा। जब सक्सेसफुल कंपाइलेशन होगी तो ऑब्जेक्ट फाइल हो जाएगी। तो मैं कहूँगा जो ऑब्जेक्ट फाइल होगी उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो याद रखें, उसकी जो एक्सटेंशन होती है .obj होती है। क्या होती है जी? .obj। तो जो सक्सेसफुल कंपाइलेशन के बाद नेम तो रहिएगा svs, और जो एक्सटेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, obj, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो गई है। वो सोर्स फाइल, सोर्स कोड था, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड है। अब क्या प्रोसीजर है, कैसे हम कंपाइल करते हैं, इसके लिए भी मेथड देख लें। पहले कीबोर्ड वाला, माउस वाला है, कंपाइल मेन्यू में जाएं, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, वहाँ पे फिर ऑप्शन आएगी कंपाइल, फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन कंपाइल करता जाएगा, जो भी एरर्स होगी आपको दिखा देगा। अगर एरर नहीं है तो जीरो एरर आ जाएगा, वार्निंग भी दिखा देंगे, अगर नहीं वार्निंग तो जीरो वार्निंग दिखा देंगे, और सक्सेसफुल जब कंपाइलेशन हो जाएगी तो मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुल कंपाइलेशन हो गया, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। एक ये मैथड है, दूसरा जो कीबोर्ड का मैथड है वो भी देख लें। आल्ट की प्रेस करें और साथ F9 प्रेस करें, Alt और F9 मिल के कीज़ जो हैं वो इनको प्रेस करना है, तो ये कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये माउस का है, ये कीबोर्ड, ठीक है जी। तो ये कंपाइलेशन हो जाएगी। अब ये कंपाइल हो गया है, आपने अक्सर बेहतर देखा होगा जब हम हमारे पास सॉफ्टवेयर आते हैं
उनमें जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट ओबीजे नहीं होती, ना डॉट सीपीपी, ऑब्जेक्ट फाइल होती है नहीं होती, तो वो कौन सी फाइल होती है? मोस्टली जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट एक्सजी होती है। क्या होती है? डॉट एक्सजी। इसका मतलब भी कुछ कमी है इस ऑब्जेक्ट फाइल में प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो फिर इसमें कमी है डेफिनेटली, हमारे पास कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जो पहले से बनी बनाई फाइल्स हैं, रेडीमेड फाइल्स होती हैं हमारे पास, बिल्ट इन फंक्शन पड़े होते हैं। हम इस ऑब्जेक्ट फाइल को उसके साथ लिंक कराते हैं, लिंक कराने के बाद जो रिजल्टेंट फाइल बनती है दैट इज कॉल्ड एक्सजी फाइल। वो एक्सजी फाइल हम किसी को भी दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कोई भी बंदा कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस होता है कंपाइलिंग के बाद लिंकिंग अ प्रोग्राम। तो हम उसको भी देख लेते हैं वो कैसे लिंक करते हैं हम लोग। लिंकिंग क्या होता है? कहते हैं लिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लिंकिंग रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। किसके साथ लाइब्रेरीज को लिंक करते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट कोड के साथ। क्या करते हैं? लिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लिंकिंग अ रिक्वायर्ड लाइब्रेरी या रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज विद ऑब्जेक्ट कोड विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो जो हमारे पास होती है इसको हम कहते हैं लिंकिंग। ये जो प्रोसेस होता है जब हमारी सक्सेसफुल लिंकिंग हो जाती है, न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। कौन सी फाइल क्रिएट होगी? हम कहते हैं एक्जी फाइल क्रिएट होती है। कौन सी फाइल क्रिएट होती है? एक्जी, एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट एक्जी। जब सक्सेसफुल हमारे पास लिंकिंग हो जाती है, इसका मतलब है जब हम सक्सेसफुल लिंकिंग कर लेंगे तो यही नेम इसका SVS होगा और जो फाइल क्रिएट होगी वो एक्जी हो जाएगी। अब तीन तरह की फाइल हमारे पास क्रिएट हो चुकी हैं, एक सोर्स फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये वो फाइल है हम जो लोगों को दे सकते हैं, चले जी इसको एग्जीक्यूट कर लें। अब ये एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? इसके लिए लिंकर प्रोग्राम होना चाहिए, वो बिल्टन होता है। पहले बताएं आई डी ये हर चीज़ इसमें होती है। जस्ट आपने कमांड देनी है, तो कमांड कैसे देनी है? अगर मैं माउस से देखूं तो कैसे होगा? कंपाइल मेन्यू में जाएं, वहां से ऑप्शन आएगी आपके पास लिंक की, तो लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी शॉर्टकट की तो कोई नहीं है इसकी, हाँ लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं Alt और C प्रेस करें, कंपाइल मेन्यू ओपन होगा, वहाँ से आप लोग लिंक में चले जाएं, तब भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये सक्सेसफुल लिंकिंग हो जाए, हमारे पास एक्जी फाइल बन गई है। अब जब हम दूसरी दफ़ा आएंगे हमें बार बार ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इस फाइल को क्लिक करें और इसको एग्जीक्यूट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज है एग्जीक्यूटिंग, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ऑप्शनल स्टेज होती है, हम उसको कहते होते हैं मेक करना। मेक हमारे पास एक टर्म यूज़ की जाती है प्रिपरेशन में, प्रोग्राम के अंदर। मेक का मतलब है इसमें कंपाइलिंग भी होती है और लिंकिंग भी होती है, ये एक ही स्टेप में दोनों काम हो जाते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की है F9। जब हम F9 प्रेस करेंगे वो पहले कंपाइल करेगा, पहले उसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा, और जब ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी साथ ही लिंक करना शुरू कर देगा। या इसका दूसरा जो मेथड है अगर बात करें तो कंपाइल मेन्यू में ही जाएं, वहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगी मेक की, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा काम हो जाएगा, तो ये सारा प्रोसेस उधर भी हो जाएगा। बात समझ आ गई यहाँ पे। और लास्ट हमारे पास जो इसका है स्टेप है ये फिफ्थ था, वो सिक्स वाला है एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? रनिंग आ, क्या रनिंग करते हैं हम लोग? रनिंग अ प्रोग्राम, इसी को एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। सिंपल क्या है प्रोसेस ऑफ, किस चीज़ का प्रोसेस है जी? रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। उसको एग्जीक्यूट करना, उसने क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्या बताना है हमें, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। कैसे एग्जीक्यूट होगा? दो मेथड होते हैं एग्जीक्यूट करने के। एक तो अगर आप अभी काम करें तो ये लोड हुआ हुआ है, अगर ये लोड नहीं हुआ तो पहले आपको लोड करना पड़ेगा। कुछ बुक्स में लोडिंग अ प्रोग्राम का टॉपिक भी होता है, डबल क्लिक करते हैं तो लोड हो जाता है। तो आप क्या करें, इसको उसमें लोड कर लें, टर्बो C++ कंपाइलर में ओपन कर लें, फिर एग्जीक्यूट कर लें, या डबल क्लिक करें तब भी एग्जीक्यूट करें, जिस तरह मर्जी एग्जीक्यूट करें। अभी ये लोड हुआ हुआ है, जस्ट हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए माउस के थ्रू हम कैसे करते हैं? हमारे पास ऑप्शन आती है रन, रन मेन्यू पे क्लिक करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा और रन पे क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट स्क्रीन आएगी, ये आपका प्रोग्राम ने काम किया और ये खत्म होगी बात। दूसरी हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल और F9। जब भी दो कीज के बीच में प्लस आता है पता है आप लोगों को कि दोनों कीज इकट्ठी प्रेस करनी होती हैं, तो कंट्रोल और F9 प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। जब एग्जीक्यूट होगा आपके सामने स्क्रीन आएगी और ब्लिंक करके गायब हो जाएगी, आउटपुट आई है लेकिन आप आउटपुट देख नहीं सकते। अगर आप आउटपुट स्क्रीन दोबारा देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक की याद कर लें Alt F5, ये की प्रेस करेंगे तो वो आउटपुट जो भी आउटपुट पे नज़र आ रहा हो आपको दोबारा नज़र आ जाएगा, स्क्रीन पे जो कुछ था अब वो बार बार आपसे नहीं, आप की प्रेस करेंगे तो आपकी नज़रों से ओझल हो जाएगी। तो ये सारे के सारे स्टेप्स थे हमारे पास। हमने क्या देखा इसमें? क्रिएट किया, एडिट किया, फिर इसको सेव किया, कंपाइल किया, लिंक किया, एग्जीक्यूट किया। तो ये सारे फेजेज हैं, इनकी शॉर्टकट कीज़ आपको पता होनी चाहिए, MCQs में आ सकती हैं।
और कितनी फाइल क्रिएट होती हैं? तीन तरह की फाइल्स हैं, ऑब्जेक्ट फाइल, सॉरी सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट फाइल एंड एग्जीक्यूटेबल। ये यूज़र की होती है, ये किसी को नहीं देनी होती, और ये एग्जीक्यूटेबल ये पब्लिक के लिए बनाई जाती है। बीच में जो ऑब्जेक्ट फाइल है वो हमें कंप्यूटर के लिए ज़रूरत होती है। तो ये हमारा था टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। बात समझ आ गई? अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्मेट होती है। फॉर्मेट किसके लिए? राइटिंग अ प्रोग्राम। प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा उसकी फॉर्मेट को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं उसको? स्ट्रक्चर कहते हैं। वे ऑफ राइटिंग के कैसे प्रोग्राम लिखेंगे उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर अपना है। स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें पता नहीं होगा तो हम प्रोग्राम लिख नहीं सकते। हमने ये पढ़ लिया प्रोग्राम कहाँ पर लिखा जाता है, ये बातें हमें समझ आ गई। अब प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारा टॉपिक आज पढ़ेंगे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर है। जो स्ट्रक्चर समझ आएगा उसको पता चल जाएगा प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। अगर स्ट्रक्चर हमें नहीं आता तो हम कहीं भी कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस है, उसके मेजर थ्री पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहला होता है उसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरा होता है द मैन फंक्शन, तीसरा होता है बॉडी ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, हम उसको कहते होते हैं स्टेटमेंट्स भी कहते होते हैं। ये तीन चीज़ें होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, द मैन फंक्शन एंड बॉडी ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सबसे पहले हम देखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, फिर देखेंगे द मैन फंक्शन क्या होता है, फिर हम देखेंगे बॉडी ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम क्या होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होता है? कहते हैं दीज आर द कमांड विच आर गिवन टू कंपाइलर। दीज आर द कमांड विच आर गिवन टू कंपाइलर टू डू अ टास्क, टू डू सम टास्क। कोई काम करने के लिए कमांड्स की दी जाती है किसको? कंपाइलर को दी जाती है। किसको दी जाती है जी? कंपाइलर को। इसका मतलब है कि ये कोई भी कमांड हो, कोई भी काम कराया जा सकता है इन कमांड्स के थ्रू। वो जो कमांड्स कंपाइलर को दी जाती है कोई काम कराने के लिए, उनको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्योंकि कंपाइलर हमेशा प्रोसेसिंग से पहले होता है, कंपाइलर हमेशा प्रोसेसिंग से पहले होता है, इसलिए हम जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर इन प्रोसेसिंग से पहले, तो कंपाइलर इसमें इन्वॉल्व होता है। तो कई दफ़ा हम इसको कहते थे कंपाइलर डायरेक्टिव्स। दूसरा नाम इसका क्या होता है? डायरेक्टिव्स हैं ये, कमांड्स हैं जो हम दिए जाते हैं। इसकी पहचान क्या है? याद रखिए, ये हमेशा हैश साइन से यूज स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं? हैश साइन से हमेशा ये क्या होते हैं, इनका स्टार्ट लिया जाता है। और ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? बिगिनिंग ऑफ सोर्स कोड, हैश साइन से स्टार्ट किए जाते हैं और बिगिनिंग ऑफ सोर्स कोड में इसको यूज़ किया जाता है। और ये कंपाइलर इसको इससे पहले ही प्रोसेस करा देता होता है। इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है प्री प्रोसेसर, वो इसमें इंस्टॉल होता है और हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है, अलग से इंस्टॉल करने की। आई डी ई में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, ये कमांड्स हैं जो किसी कंपाइलर को दी जाती हैं। दो तरह के हमारे पास प्री प्रोसेसर हैं आपकी बुक में, तो एक तरह के लिखे हुए हैं तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक होता है हमारे पास इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, और दूसरे हमारे पास होते हैं डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सबसे पहले हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देख लेते हैं, फिर हम डिफाइन भी देख लेते हैं। तो ये फर्दर एक टॉपिक पढ़ने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक और भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं और उसका लिंक इस भी इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के साथ होता है। साथ पैरल वो टॉपिक भी पढ़ लेंगे, साथ हम ये भी पढ़ लेते हैं हेडर फाइल, उनको भी हमने डिस्कस करना है हेडर फाइल्स क्या होती हैं। अब सी प्लस प्लस में जो भी कुछ मैं पढ़ाऊँगा वो उसको हर जो इंस्ट्रक्शन होगी, हर कमांड को मैं तीन, हर स्टेटमेंट को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड किया करूँगा। ये आपको वैसे पता होना चाहिए। एक होगा उसका डेफिनेशन होगी, उसी को मैं पर्पस भी कहता होता हूँ। जितने भी आपके व्हाट और वाई वाले वो सारे इसके आंसर ये होंगे, डेफिनेशन होगी, पर्पस होगा। दूसरे मैं एक लिखवाया करूँगा सेंटेक्स। सेंटेक्स होता है ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल होता है ना, वो सेंटेक्स होता है उसका। असल में जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं उसका सेंटेक्स सीख रहे होते हैं। सेंटेक्स हमें आ गया, तरीकाकार हमें आ गया, तो फिर हम लिखेंगे। तो सेंटेक्स हमें ये मैं लाजमी लिखवाया करूँगा। तो सेंटेक्स को हम कह सकते होते हैं
अगर मैं कहता तो, वैसे तो किसी बुक में लिखा नहीं हुआ है व्हाट टू राइट, कि बेसिकली हमने लिखना क्या है, रूल्स क्या कहते हैं, क्या लिखना है आपने। उसके बाद फिर एक मैं एग्जांपल लिखवाता हूँ कमांड्स में, स्पेशली ये मेथड है मेरा। ये तीनों चीज़ें आपको पता होंगी तो कोई भी स्टेटमेंट आपको समझ आएगी। एग्जांपल एक आदमी मैं लिख के बताता हूँ कि ऐसे लिखी जाती है, तो मैं कहता हूँ ये हाउ टू राइट। ये तीनों चीज़ें हर स्टेटमेंट में होंगी, हर कमांड में होंगी, हर इंस्ट्रक्शन में होंगी। ये तीनों चीज़ें डेफिनेशन पर्पज़ तो होगा डेफिनेटली, साथ सेंटेक्स होगा और साथ एग्जाम्पल होगी। तो हेडर फाइल्स क्या हैं हमारे पास, पहले इनका कंसेप्ट हम देख लेते हैं। हेडर फाइल क्या होते हैं, फिर हम इसकी तरफ आते हैं, इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। देन हमारे पास C++ या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कंसेप्ट आया था बिल्ट इन फंक्शंस का, पहले से पता है आप लोगों को क्योंकि मैट्रिक में भी आप लोग पढ़ के आएंगे। बिल्ट इन फंक्शन को हम दूसरे अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड में कहें तो रेडीमेड फंक्शन, बनी बनाई चीज़ें हैं हमारे पास, हम बस वो उनको यूज़ करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर में डाल लेते हैं, रेडीमेड हैं। कई दफ़ा ड्रैग ड्रॉप के थ्रू कर लेते हैं, कई दफ़ा हम उनकी कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। जब भी हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के तीन मेजर पार्ट होते हैं। चैप्टर 6 में हम बड़ी डिटेल के साथ आगे जाकर इनको डिस्कस करेंगे। हर फंक्शन की तीन चीज़ें होती हैं, एक को कहते हैं हम फंक्शन डिक्लेरेशन, एक को कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन और एक कहते हैं फंक्शन कॉल। अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूं, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन को अगर सिंपल बात करें तो इन्फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन क्या होगा। डिक्लेरेशन वैसे उसके स्ट्रक्चर को कहते हैं, मॉडल कैसा होगा, डेफिनेशन उसके कोड को कहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है इसके लिए, ये इन्फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। और कॉल का मतलब है यूज़ करना, कि जब भी फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे इसको लेंगे कॉल ऑफ फंक्शन, सिंपल। अब हमारे पास जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है, हमें उनके स्ट्रक्चर का कोई नहीं पता, हमें उनकी डेफिनेशन का कोई नहीं पता कि कहाँ पर पड़ी हुई है। तो हमारे C++ के अंदर कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो किसी भी फंक्शन की डिक्लेरेशन को भी स्टोर करती हैं और किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन को भी स्टोर करती हैं। वो जो फाइल्स होती हैं हम उनको कहते हैं हेडर फाइल्स। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन करूं जो नॉन टेक्निकल यूजर के लिए है, तो हम कहेंगे हेडर फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर, फाइल है ना बेसिकली, स्टोर दी क्या करते हैं जी, इंफॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को हम बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं, कि उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ये। जो भी हमारे लाइब्रेरी फंक्शन है, जो भी हमारे बिल्ट इन फंक्शन है, जो भी हमारे सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, जो भी हमारे प्री डिफाइंड है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हेडर फाइल में है। अगर मैं टेक्निकल बात करूँ, ये भी डेफिनेशन बेहतरीन है इसकी, आर यूज टू स्टोर, लाइब्रेरी हेडर फाइल आर यूज टू स्टोर, क्या स्टोर करते हैं जी, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, उसको भी हम हेडर फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हेडर फाइल। इसका मतलब है जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है, जब भी आप उनको यूज करेंगे तो हेडर फाइल बड़ी जरूरी है। इसकी पहचान क्या है हेडर फाइल की, याद रखें इनकी जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट एच होती है। क्या होती है, डॉट एच होती है। जो जो भी फंक्शन आप यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास C++ में स्ट्रीम्स का कंसेप्ट भी है फंक्शन के साथ साथ, जो भी आप स्ट्रीम यूज़ करेंगे, जो भी फंक्शन यूज़ करेंगे, अगर आप उसकी हेडर फाइल प्रोग्राम में यूज़ नहीं करेंगे तो वो फंक्शन आप यूज़ ही नहीं कर सकते, उसकी इन्फॉर्मेशन आप यूज़ नहीं। आप ऐसे कह लें, अगर एक बच्चा किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेता है, अगर वो एडमिशन फॉर्म फिल ही नहीं करता, एडमिशन लेता ही नहीं, तो किसी क्लास में आके बैठ नहीं सकता। ये एडमिशन लेना, एडमिशन फॉर्म फिल करना, रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस करना, ये समझ लें डिक्लेरेशन और डेफिनेशन है। और जहाँ जो क्लास में जो पढ़ना है वो तीसरी स्टेज है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन कॉल। तो ज़रूरी है, तो मुख्तलिफ हेडर फाइल्स हैं, मोस्ट कॉमन हमारे पास जो हेडर फाइल्स हैं मैं उनकी एग्जांपल लिखता हूँ क्योंकि हम इनको यूज़ करेंगे। iostream.h इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये हम हेडर फाइल यूज़ करेंगे C++ के अंदर। जब भी मैं हेडर कोई फंक्शन पढ़ाऊंगा, कोई स्ट्रीम पढ़ाऊंगा, उसकी हेडर फाइल साथ उधर पढ़ा दिया करूँगा। ये जस्ट इंट्रो के लिए दे रहा हूँ। iostream.h अगर इसका मतलब है हम अगर सी इन या सी आउट स्ट्रीम यूज़ करेंगे उसके लिए हेडर फाइल मस्ट है। इसी तरह हमारे पास studio.h है, conio.h है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। हमारे पास सी के अंदर प्रिंट एफ स्कैन एफ के फंक्शन है, उनकी हेडर फाइल इसमें होती हैं। conio.h जो है कंसोल इनपुट आउटपुट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। ये हमारे पास जो फंक्शन होंगे, गेट सी एच का फंक्शन होगा, गेट सी एच ई का फंक्शन होगा, उनकी डिटेल इसमें होगी। इसी तरह हमारे पास math.h है, मैथ के जितने भी फंक्शन है, sqrt, square root का फंक्शन है, पावर का फंक्शन है,
उनके लिए ये वाली हेडर फाइल मस्ट है। इस स्ट्रिंग के जितने फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट एच है, इस तरह मुख्तलिफ हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, मुख्तलिफ उनके रिलेटेड फंक्शन है। हम किसी भी फंक्शन को उस वक्त तक नहीं यूज़ कर सकते, किसी भी स्ट्रीम को उस वक्त तक नहीं यूज़, जब तक उसकी हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम में नहीं होगी। बात खत्म होगी, हेडर फाइल जी आ गई। अब बात की जाती है कि हेडर फाइल प्रोग्राम में कैसे आप लोग शामिल करते हैं, कैसे प्रोग्राम का पार्ट बनाते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जी। कौन से हमारे पास हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। कौन सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है? इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसलिए इसके साथ ये टॉपिक पर आया। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ यूज टू इंक्लूड अ स्पेसिफिक हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। कोई भी जो हेडर फाइल हमें रिक्वायर होगी उसको अगर इंक्लूड करना हो अपने प्रोग्राम में, उसके लिए कौन सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ किया था? इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो वाली हेडर फाइल हम, वो वाला फंक्शन हम यूज़ नहीं करेंगे, तो एक एरर आ जाएगा, फंक्शन प्रोटोटाइप इज़ मिसिंग। क्या एरर आ जाएगा? फंक्शन प्रोटोटाइप इज़ मिसिंग है, डेक्लेरेशन को प्रोटोटाइप फंक्शन या फंक्शन डेक्लेरेशन इज़ नॉट फाउंड। ये दो तरह के एरर आते हैं, प्रोटोटाइप इज़ मिसिंग या फंक्शन डेक्लेरेशन इज़ नॉट फाउंड। तो इसके लिए हमें हर हाल में उसको इंक्लूड करना है। अब नेक्स्ट है, ये डेफिनेशन होगी इसकी, इंक्लूड कैसे किया जाएगा, क्या रूल कहते हैं। तो इसके लिए सिंटैक्स है, ये देख लें। अच्छा, ये सिंटैक्स सेम है इसके लिए भी, हेडर फाइल को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, इधर का टॉपिक है इसमें भी ये सिंटैक्स लिख सकते हैं। अगर इंक्लूड का टॉपिक है तो इसमें भी ये सिंटैक्स लिख सकते हैं। लॉन्ग भी क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चर का और शॉर्ट भी बन सकता है। तो कैसे सिंटैक्स कैसे लिख सकते हैं आप? पहले हैश, सी प्लस प्लस के सेंसिटिव लैंग्वेज है, हर चीज़ को स्मॉल लेटर में लिखना होता है। और स्मॉल लेटर का मतलब है कि के सेंसिटिव के मीनिंग ये हैं कि अपर को लैदा ट्रीट करता है और लोअर को लैदा ट्रीट करता है। तो लोअर में ही होते हैं मोस्टली हमारे पास जो वर्ड होते हैं, इनके रिजर्व वर्ड कहते हैं। इंक्लूड एंगल ब्रैकेट हेडर फाइल नेम, और एक ये मेथड है एंगल ब्रैकेट के अंदर ही हेडर फाइल का नेम लिख दें। दूसरा है हमारे पास इंक्लूड डबल कोटेशन में भी आप ये चीज़ एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना चाहते हैं आयो स्ट्रीम, तो आप सिंपल ऐसे लिख लेंगे आयो स्ट्रीम डॉट एच, ये इंक्लूड हो जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इंक्लूड हो सकती है। एक एग्जांपल इंक्लूड मैथ डॉट एच, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ये सारे जितनी जितनी हेडर फाइल होगी हम ऐसे अमूमन जो हमारे सी प्लस प्रोग्रामिंग के टॉप पे हमेशा ये हमारे पास ये हेडर फाइल इंक्लूड होगी। एक ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसका नाम है डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसको भी हम देख लेते हैं। डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है जी? इट इज़ यूज टू डिफाइन अ कॉन्स्टेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। कांस्टेंट तो होते हैं वैसे, डिफाइन ही होते हैं। सी प्लस प्रोग्राम में कौन से कांस्टेंट हमने डिफाइन करने हैं? एक तो नेचुरल कांस्टेंट है 1, 2, 3 है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, उनकी तो बात ही हो रहा है, वो तो डिफाइन हुए हैं। ये हम खुद डिफाइन करते हैं। हम कैसे डिफाइन करते हैं? कई दफ़ा हमारे पास होता है हमारे प्रोग्राम में हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू रख लेते हैं, एक्स के अंदर वैल्यू 5 है, बाद में हम चेंज करें एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 आ जाएगी। तो एक्स हमारे पास वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। हम कहते हैं इस एक्स की वैल्यू अब फिक्स करना चाहते हैं, हम चाहे इसकी वैल्यू बाद में चेंज ना हो। इस तरह हमारे पास काफ़ी सारे कांस्टेंट हैं, जिस तरह ई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जब हम इसको किसी करेक्टर के अंदर स्टोर कर लेंगे तो ये हमारे वेरिएबल बन जाते हैं, इनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। अब जब भी हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो ये सारे वेरिएबल हो जाएंगे, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब हम क्या करेंगे? हम इनकी वैल्यू फिक्स करनी है, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। एक तो पहले क्या, डिफाइन अ कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफाइन हो गया। हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं इट इज़ यूज टू मेक अ वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। किसी वेरिएबल को आप कांस्टेंट बना सकते हैं इसके थ्रू। इट कैन बी यूज टू मेक अ वेरिएबल, या प्रॉपर वर्ड लिखा जाता है आइडेंटिफायर। इट यूज टू मेक अ वेरिएबल आर आइडेंटिफायर क्या जी? एज अ कांस्टेंट। इट कैन ट्रीट अ वेरिएबल आर आइडेंटिफायर एज अ कॉन्स्टेंट। इसको हम कहते होते हैं डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। कैसे हम डिफाइन करते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं, पहले सेंटेक्स देख लेते हैं फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैश डिफाइन स्पेस वेरिएबल आइडेंटिफायर वैल्यू, आगे कुछ भी नहीं है इसके। डिफाइन वेरिएबल आइडेंटिफायर, जिसकी वैल्यू फिक्स करनी है आपने उसको इधर लिखना है और आगे वो वैल्यू लिख लेनी है। एग्जाम्पल देखें, डिफाइन
एक्स 5। अब एक्स की वैल्यू 5 फिक्स हो गई, अब ये चेंज नहीं हो, जो मर्जी करते रहें आप लोग। दूसरी एग्जांपल देखें, डिफाइन पाई 3.14, इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, अब ये वैल्यू चेंज नहीं होती। ये दूसरा प्रीप्रोसेसर डायरेक्ट डिफाइन क्या करता है, सिंपल किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बना लेता है। जो ये कांस्टेंट बनाता है उसको कांस्टेंट मैक्रो भी कहते होते हैं। तो हमारा ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद जो दूसरा इसका फेज है, दूसरा स्टेप है हमारा, उसका नाम है द मैन फंक्शन। द मैन फंक्शन, ये क्या है मैन फंक्शन? कहते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम है। ये क्या है जी? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम है कि प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट होता है वो मैन फंक्शन है, कोड जहाँ से स्टार्ट होता है वो मैन फंक्शन है। जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं हमेशा जो कंट्रोल इंटर होता है वो किस में होता है? इनटू मैन फंक्शन। यानी प्रोग्राम रन, यानी वांट टू रन, प्रोग्राम क्या होता है किसमें, कर्सर कंट्रोल किसमें इंटर होता है? मैन फंक्शन में। यानी इसका मतलब है हमारे पास अगर मैन फंक्शन नहीं होगा तो प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होगा ही नहीं, कोड ही नहीं होगा, प्रोग्राम रन ही नहीं हो सकता। इसलिए याद रखें हर प्रोग्राम में जो मैन फंक्शन है वो मस्ट है। अगर किसी प्रोग्राम में मैन फंक्शन नहीं है तो प्रोग्राम नहीं है। कंपाइल हो जाएगा पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक मैन फंक्शन मस्ट है, एक से ज़्यादा आपकी मर्जी है, लेकिन मोस्टली एक ही मैन फंक्शन रखा जाता है। अब जो मैन फंक्शन होता है उसी से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, वही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वही सारा कुछ होता है। अब इसको कैसे लिखा जाता है, इसका सिंटैक्स देखें। वैसे भाई डिटेल से सिंटैक्स है लेकिन इसमें मैं बेसिक बताऊंगा, कुछ चीज़ें इसमें इग्नोर कर दूंगा। रिटर्न डेटा टाइप मैन, जिसका सिंटैक्स है रिटर्न डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट मैन लिस्ट ऑफ पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट में है और ये कर्ली ब्रैकेट से स्टेटमेंट से। अब थोड़ा सा मैं इनको हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इसके सिंटैक्स को याद रखें, जब भी ये सिंटैक्स में मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखूँगा, वैसे भी लिखा जाता है, ये चीज़ ऑप्शनल होती है। इसके मीनिंग क्या है, ये ऑप्शनल है, ये लिखें ना लिखें इसकी सेहत पर असर कोई नहीं है। ज़रूरत के मुताबिक आप ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, अगर नहीं ज़रूरत तो ये चीज़ ना लिखें। ये जहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होंगी वो हमारी सिंटैक्स में चीज़ें ऑप्शनल है। अब ये रिटर्न डेटा टाइप क्या होती है, हर फंक्शन कोई ना कोई डाटा रिटर्न कर सकता है। डिटेल से टॉपिक है पढ़ने वाला, 6 चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम स्टार्ट में, हमें नहीं पता कि हर फंक्शन को चीज़ रिटर्न कर सकता है, तो जहाँ पे कुछ भी ना रिटर्न करना हो तो वहाँ पे सिंपली वॉइड लिख दें। हमारे C++ में जब कुछ भी ना लिखना हो, कहीं पर रिटर्न करना हो, तो वहाँ पर टर्म यूज़ की जाती है वॉइड। ये हमारे पास एक रिजर्व वर्ड है, नथिंग टू रिटर्न, नथिंग टू फॉरवर्ड, नथिंग टू पास, नथिंग टू एक्सेप्ट, कुछ भी ना हो तो वाइड लिख दें। अगर कहीं पे वाइड नहीं लिखा होगा, ब्लैंक जगह होगी, इसके मीनिंग भी वाइड होंगे। शुरू में हमारे पास अक्सर बेहतर यही होता है कि हमें अभी पता नहीं होता हर फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, तो हम मोस्टली यहाँ पे क्या लिखते हैं, वाइड लिख देते हैं। अगर ना भी लिखें, पहले ही बताया ये ऑप्शनल है, इसके मीनिंग ही वाइड है। दूसरा मेन है, ये अपने एज इट इज़ लिखना है। लिस्ट ऑफ पैरामीटर, हर फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को वैल्यू पास कर सकता है और हर फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन से वैल्यू ले सकता है, उनकी डिटेल यहाँ पर हम लिखते होते हैं, क्योंकि ये भी चीज़ ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं हर फंक्शन ही ले। तो शुरू में हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, अगर कुछ नहीं लिखना तो वाइड भी लिख सकते हैं, नथिंग टू पास, नथिंग टू सेप, तो ये भी लिख सकते हैं। तीसरा इनको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, इनको कहते हैं डेलिमीटर भी, इन्हीं को कहते हैं। ये यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी जाती हैं जो मेन फंक्शन के अंदर होती हैं, एक भी लिखी जा सकती है और एक से ज़्यादा भी लिखी जा सकती हैं। यार स्टेटमेंट एंड होगी हमेशा सेमी कॉलन पे, इसको कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर कोई भी स्टेटमेंट सेमी कॉलन पे एंड नहीं होगी तो एक एरर आ जाएगा, स्टेटमेंट इज़ मिसिंग। ये याद रखिए, C++ या C के अंदर हर स्टेटमेंट को एंड होना चाहिए सेमी कॉलन पे। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगी, आप एक लिखें फिर सेमी कॉलन लिखें फिर दूसरी लिखें फिर तीसरी, एक लाइन में भी सारी की सारी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आप मल्टीपल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसिस, ये ओपनिंग ब्रेस है, ये क्लोजिंग ब्रेस है। ये जो पार्ट है, जो तीसरा पार्ट हमारा रहता है बॉडी ऑफ C++ प्रोग्राम, वो यही होता है सारा का सारा। बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास इसका सिंटैक्स था मैन फंक्शन का। अब मैं एक एग्जांपल लिख के आपको बताता हूँ कि कैसे हम मैन फंक्शन अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं, क्या क्या मेथड हो सकते हैं। आप उसका उसकी एग्जांपल देख लें। पहली एग्जांपल में लिखता हूँ जिसमें वाइट मैन और यहाँ पे कोई स्टेटमेंट हो सकती है। चलो मैं एक स्टेटमेंट भी लिख लेता हूँ, सी आउट SVS, ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ,
मैन वाइड इसके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। फोर टाइप्स की मैंने एग्जांपल लिखी है मैन फंक्शन को लिखने की। इन चारों में कोई डिफरेंस नहीं है, सबके मीनिंग सेम है। इसमें मैंने वाइड इधर लिखा, मैन इधर वाइड नहीं लिखा। एक स्टेटमेंट लिखी सी आउट एस वी एस स्क्रीन पे दिखा देगा। दूसरा मैंने मैन लिखा वाइड लिखा है, यहाँ पे पहले वाला वाइड नहीं लिखा। इसमें मैंने ना पहले वाला वाइड लिखा ना दूसरे वाले का, वही चीज़ है। इसमें मैंने सारे वाइड लिख दिए। जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो वाला मेथड अडॉप्ट करें। जो मोस्ट कॉमन है वो वाइड मैन, ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है। और किसी ने ऐसे भी लिखा वो भी गलत कोई नहीं है, और किसी ने ऐसे भी लिखा कोई वो भी गलत नहीं है, और किसी ने ऐसा भी लिखा तो वो भी गलत नहीं है। तो ऐसे हम मैन फंक्शन लिखते होते हैं। और साथ ही टॉपिक जो एंड हो गया, साथ जो मैन फंक्शन के बाद दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक था हमारे पास बॉडी। ये वाली बॉडी है, एक स्टेटमेंट लिखें, एक से ज़्यादा लिखें, जितनी मर्जी लिखें, क्योंकि अभी हमें स्टेटमेंट लिखना आती नहीं है। तो मैंने एक सिंपल सी एक स्टेटमेंट लिखी है सी आउट एस वी एस, तो ये एस वी एस स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। अब मैं इन सबको समरी करके ना एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, बेसिक बिल्कुल सा। उसमें ये तीनों जो हैं स्ट्रक्चर के पार्ट्स आपको दिखाऊंगा कि कौन सा प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है, कौन सा हमारे पास मेन फंक्शन है, और कौन सा हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट्स हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ तक कम्प्लीट होगा। एक प्रोग्राम साथ लिखता हूँ तो ये वाला टॉपिक फिर प्रॉपर कम्प्लीट हो जाएगा। मैंने सबसे पहले कहा था कि आप प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स, हमें एक ही चाहिए फिलहाल, आईओ स्ट्रीम डॉट एच, फिर वाइड मैन। ये हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम बन गया। ये जो फर्स्ट है इसको हम कहते हैं प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, ये हमारे पास मैन फंक्शन आ गया, और ये हमारे पास बॉडी ऑफ C++ प्रोग्राम। ये तीनों फेजेस मिलते हैं तो हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम बन जाता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम।